नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। तो दोस्तों आज फिर से एक नया दिन और नई शाम। आज हम फिर से उसी ग्राउंड में जाएंगे और उस ग्राउंड के थोड़े से ज़्यादा चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे। पहले 10 लगाते थे, अभी कुछ एक दो बढ़ाएंगे, धीरे धीरे दोस्तों बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप आसपास का नज़ारा देख सकते हो, शाम हो चुकी है, 6:15 बज चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हो आसपास का माहौल बहुत ही शांति है। तो यहाँ देख सकते हो नींबू का पेड़ बहुत ही हरा भरा है और साइड में कड़ी पत्ता भी है और बहुत ही यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, जिसको देखकर ही आपको मजा आता है। क्योंकि अहमदाबाद शहर में अगर इस तरह की ग्रीनरी आपको मिल जाए तो भाई आप लकी हो, ऐसा तो बहुत कम लोगों को मिलता है और हमें ये नसीब हुआ है तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और शरीर को फिट रखने का कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों मिनी जंगल जैसा दिखता है। अभी एक कमेंट भी आया हुआ है मेरे फर्स्ट वीडियो पे कि सर आपकी जो जगह है एक तो मतलब मिनी जंगल की तरह है। तो वाकई में सही है भाई, मिनी जंगल की तरह ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊंचे ऊंचे पेड़ है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो मतलब अहमदाबाद, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अहमदाबाद का एरिया में अगर इस तरह की ग्रीनरी आपको मिलती है तो फिर आप लकी हो। और दोस्तों शायद आप देख सकते हो कि मेरे पीछे रोड है, देखो रोड है, एकदम बिजी रोड है, एयरपोर्ट रोड है अहमदाबाद का और वहाँ से गाड़ी आती जाती है। लेकिन जैसे आप पीछे देखते हो, यहाँ देखते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो एकदम ग्रीनरी। देखो आप देख सकते हो जहाँ भी आपकी नज़र जाए वहाँ पर आपको पूरा ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला रहे हैं और अपने आप को फिट रख रहे हैं। वहाँ पर भी कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो अभी हम भी यहाँ पर दौड़ेंगे और चक्कर लगाएंगे। तो ये एक्चुअली स्कूल है, तो स्कूल के अंदर बहुत सारी गेम के इक्विपमेंट है। तो ये खो खो का मैदान है और ये बास्केटबॉल का मैदान है। अभी दोस्तों फिर से एक बार इस ग्राउंड में आपका स्वागत है। अभी हम इस ग्राउंड का चक्कर लगाएंगे। तो दोस्तों आप भी लगाइए और फिट रखिए अपने आप को। तो देख सकते हो दोस्तों ये ग्राउंड कुछ इस प्रकार है जो कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ है। और वहाँ पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे देख सकते हो कि भाई खेल रहे हैं। तो ये एक छोटा बच्चा है, ये तो ये भी आपको कुछ करके दिखाएगा। कौन सी एक्सरसाइज करके दिखाओगे, दिखाओ जरा, करो चलो। तो मुझे बताओ कि आप ये मतलब कितना कर सकते हो, कितना करोगे आप बताओ। चलो देखते हैं, चलो करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। आई थिंक अभी वो थक चुका है। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया। 10 करना भी बहुत है, 5 करना भी मतलब बहुत ही कठिन है, तो आपने 10 किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो यहाँ का ग्राउंड कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम यहाँ से अभी दौड़ेंगे और वहाँ सामने जो आपको वॉलीबॉल का नेट दिख रहा है उसके सामने भी शायद आपको दिख रहा हो, तो उसके सामने भी दो खंभे हैं, तो वहाँ तक जाएंगे और अभी 10 चक्कर लगाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। तो अभी हम इस ब्लॉग को शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप लोग फिट रहे हो और हम भी फिट रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम इस ग्राउंड का चक्कर लगाएंगे दोस्तों। तो आप इस ग्राउंड को देख सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि इक्विपमेंट हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और बाजू में भी श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना हो रही है, वहाँ पर ढोल नगाड़े आपको सुनाई दे रहे हैं, शायद आपको नहीं दिखेगा। और दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर। और यहाँ का मैं नज़र आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इधर आइए। मतलब ये इतना मस्त जंगल जैसा दिख रहा है जहाँ पर आप बैठने से भी आपको ताज़ की हवा मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जंगल,
भैया पर आप देख सकते हो पूरा जंगल, वाव। और वो भी अहमदाबाद के अंदर, अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो आप लकी हो। आप देख सकते हो ये ग्रीनरी, जिसको देखने से आपकी आंखों के नंबर भी कम हो जाएंगे। वाह क्या बात है, वाह। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अभी हम इस रनिंग को स्टार्ट करते हैं। चलो अभी आप देख सकते हो मेरी सांस फूल रही है और मैंने 10 राउंड्स लगा दिए हैं आज दोस्तों। थोड़ा सा आज मैंने क्या किया, थोड़ा सा लंबा चला, तो ये मुझे लगता है कि 200-250 मीटर, मतलब 250 मीटर के ऊपर हो गया एक राउंड। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने 10 राउंड, मतलब 3 किलोमीटर के आसपास हो गया होगा। और दोस्तों एक दूसरी बात यह है कि राउंड लगाने के बाद इतना मज़ा आता है, इससे आपकी बॉडी एकदम पसीने से लथपथ हो जाएगी और आपको बहुत मजा आएगा। और अभी ठंडी ठंडी अगर हवा आएगी, तो अभी तो हवा तो है नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हो इस पेड़ को बिल्कुल भी मतलब हिल नहीं रहे, तो अच्छी बात है। तो दौड़ने के बाद जो पसीना आता है उसमें अगर हवा ना हो तो और भी मज़ा आता है, क्योंकि पसीना एकदम टपकता रहता है। अब मुझे नहीं पता है कि कितना कैलोरी मैंने बर्न किया है, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आप दौड़िए और अपने आप को फिट रखिए। तो दोस्तों अभी रोज़ की तरह हम यहाँ पर, आप देख सकते हो बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी गर्म रहेगी तब तक दोस्तों आपको ये कर लेना है। तो अभी मेरी बॉडी गर्म है क्योंकि 10 राउंड में लगा चुका हूँ, तो अभी मैं इस इक्विपमेंट के साथ थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज करूँगा और दोस्तों मज़े लूँगा। तो दोस्तों आप भी मज़े लीजिए। और अभी दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ पर एक फ्लाइट जा रही है आसमान में। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से बॉडी की दुनिया में आसमान को छुइए और अपने आप को फिट रखिए। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी है, देखो वो भी अपने आप को फिट रखने के लिए साइकिल चला रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो, तो हम थोड़ी देर के लिए इसकी साइकिल लेंगे। हम देखते हैं कि बहुत साल के बाद मुझे अभी साइकिल चला रहे तो कैसा लगता है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा साइकिल चलाऊंगा, बहुत दिन हो गए साइकिल चलाए हुए। वाह मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, साइकिल चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाँ, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जब हम बचपन में ऐसे साइकिल चलाए करते थे। वाह क्या मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी साइकिल है। तो अभी हम इस बच्चे को थैंक यू बोलेंगे, अभी हम इस बच्चे को थैंक यू बोलेंगे कि जिन्होंने अपनी साइकिल हमको चलाने के लिए दी। तो रोज थैंक यू। और आपको भी फिट बनना है बेटे, तो आप भी साइकिल चलाओ बेटा, ठीक है ना। तो फिट बनो, खुश रहो, आबाद रहो। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, तो अभी हम वहाँ जाएंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।